प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देश भर में चर्चा में आए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अब मोदी को डिफाल्टर तक कहा है। शक्ति जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला। चरणदास महंत ने पीएम मोदी को डिफाल्टर बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो या लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात हो। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता डिफाल्टर मानती है, इसलिए हम डिफाल्टर के बारे में बात नहीं करते। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया, न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी की अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही है आज की तारीख में, ज्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते हम लोग। भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय का।